disco. आप सही एग्जैक्ट आप एड्रेस बताइए। इसका मेन एड्रेस है रायपुर से, जैसे अपन दुर्ग के लिए आएंगे। हाँ हाँ, तो 31 चौक से समथिंग 5 किलोमीटर आगे कुमारी पड़ता है। कुमारी नया ब्रिज बना हुआ, उसे उतरेंगे लेफ्ट में ही पड़ता है। अच्छा, लेफ्ट में ही पड़ता है। और आपका सबसे पहले कॉन्टेक्ट नंबर जो अवेलेबल रहे वो बताइए। 9827499248। अच्छा, ये आपका व्हाट्सएप भी है। हाँ हाँ। तो अभी कितनी बजट से स्टार्ट है? कम से कम लोग हमारे मेरे पास में अभी 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए। और अभी क्योंकि गणेश पक्ष नवरात्रि पूरा सीजन है इधर, तो आपके पास तो स्टॉक भरपूर रहता है। और अभी आने वाला, और भी स्टॉक आने वाला है, बहुत और आने ही वाला है, काफी मात्रा में स्टॉक है। अच्छा, अभी तो स्टार्ट है सीजन, वो अभी चलेगा दिवाली के बाद तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये अपने पास है, ये बुल में है, इसको डोजर बोलते हैं ना। हाँ जी, इसको डोजर बोलते हैं। ये है जोंडियर में है, बताइए कौन सी। ये 18 मॉडल है, पूरा कंप्लीट असेंबली पड़ेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख ये अपना 50-42D है। हाँ, हाँ। कितने एचपी में रहता होगा? समथिंग ये 42 HP की गाड़ी है। हाँ, 42 HP की गाड़ी है, सब पूरा कंप्लीट असेंबली के साथ है, 5 लाख पड़ेगा। और कितना घंटा चला होगा ये? समथिंग ये पड़ा है 2660 घंटा। 2660 घंटा चला होगा। और इसमें पासिंग का तो कुछ इशू नहीं रहता? कोई इशू नहीं, रायपुर नंबर की गाड़ी। अच्छा, इसमें नेगोशिएबल रहेगा प्राइस में कुछ? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। जो ऐसी कंडीशन है सेम उसी का प्राइस है ये। अच्छा, इसके बाद है, एक है महिंद्रा का, महिंद्रा 415 है, 415। बताइए कौन सी मॉडल है ये? समथिंग 2018 मॉडल है। 2018 की मॉडल, कितने एचपी में रहता है ये? 415 होता है, 42 से 45 HP का रहता है। अच्छा, और कितना घंटा चला होगा? 2300 घंटा है, सॉरी 1700 घंटा चलाएगा। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं उसका? उसकी डिमांड है 3,70,000 रुपये। 3,70,000, उसमें भी नेगोशिएबल रहेगा? हाँ, हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा, मतलब वो थोड़ा बहुत बैठक में कम है। और जो नाम ट्रांसफर का कैसे, अलग से इंक्लूड रहता है, अलग से देना पड़ेगा या फिर इंक्लूड रहेगा प्राइस में? वो अलग से देना पड़ता है, किसी के एनओसी निकलवाना होता है। कितना लगता होगा उसमें? समथिंग 5,000 रुपये। 5,000 ट्रैक्टर से। अच्छा, इसके बाद देखेंगे लाइन से है महिंद्रा स्वराज का, यह महिंद्रा का 575D है, भूमिपुत्र। बताइए सर। ये सर 2015 मॉडल की गाड़ी है। हाँ, इसका रेट पड़ेगा सर 3 लाख रुपए। 3 लाख। कितने एचपी में होगा ये? 47 HP का। ये 47 HP में है। कितना चल गया होगा? 1900 घंटा। 1900 घंटा। अच्छा, क्या है डिमांड इसका? लास्ट 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये में छोड़ दें। इसके बाद चलेंगे 475 DI है महिंद्रा का, ये भी भूमिपुत्र में, DLX। बताइए सर ये कौन सी मॉडल? ये 2013 मॉडल की गाड़ी है। हाँ हाँ, इसको दे देंगे 2,20,000 रुपए में। 2,20,000। गाड़ी की इंजन बढ़िया है ये, समथिंग बहुत चल गया होगा ये तो? नहीं, चली ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं चला ये? नहीं चला ज्यादा। आपके पास ये सभी बैंक से सीज रहती है या फिर? कुछ गाड़ियाँ बैंक से रहती है, कुछ गाड़ियाँ पर्सनल होती है, कुछ गाड़ियाँ। अच्छा, कस्टमर से रहती है? ज्यादातर मेरे पास में किसानों की गाड़ी ज्यादा रहती है। किसानों की गाड़ी आपके पास ज्यादा रहती है? बैंक की गाड़ी में थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को लेकर इशू रहता है। अच्छा,
इसके बाद देखेंगे स्वराज का 744 एफ ई। बताइए कौन सा मॉडल है? ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल, कितने एचपी हो गए? ये आता है 47 एचपी। 47 एचपी, कितना चल गया होगा ये? मेरे ख्याल से आइडिया 2100 घंटा चला था। 2100 घंटा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसका? 3,80,000 रुपये। 3,80,000 पावर स्टीयरिंग गाड़ी है ये। पावर स्टीयरिंग पूरा ओके है, फ्रेश? कुछ खर्चा तो नहीं रहता? कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, और जैसे कोई दूर से आ रहा है तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर से आ सकता है? या फिर आपका गूगल में भी होगा? इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का 605, ये तो हार्वेस्टर में यूज़ होता है? हाँ, हार्वेस्टर में यूज़ कर सकते हैं इसको, और लोटर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रेशर के लिए काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीज़ में अवेलेबल है? हाँ हाँ, 57 एचपी की गाड़ी है ये। हाँ, ये 2017 मॉडल की गाड़ी है। 17 मॉडल, कितना चला होगा इसका? देखना पड़ेगा कितना चला होगा, मगर शायद ये 2000 घंटे के ऊपर चल चुका है। अच्छा, 2000 के लगभग ऊपर चल गया। 2600-2700 घंटा चला होगा। क्या डिमांड कर रहे हैं इसका? इसकी डिमांड है सर, मेरे पास हालांकि इसका सौदा हो रखा है, 3,80,000 रुपये में, उसने टोकन दिया है पर आया नहीं है, आएगा वो 380 के समथिंग। 380 के समथिंग, ये हुड वगैरह कंप्लीट करके देते हैं? पूरा कंप्लीट करके देते हैं। इसके बाद है स्वराज का 735 एफी, इस तो कंडीशन बेटर लग रहा है। बताइए इसका? ये 2018 मॉडल है। 18 मॉडल, कितने एचपी में रहता होगा? 370। 370 एचपी, कितना होगा ये? आता है सर 42 एचपी का, 42 एचपी। 42 एचपी, कितना चल गया होगा ये? 2700 घंटे चला। 2700 घंटे चला है, बाकी फ्रेश कंडीशंस में है, चारों टायर नए हैं इसके। इसके बाद देखेंगे आयसर का एसटीआर 557, बताइए कौन सी मॉडल है ये? 2016 मॉडल है। 16 की मॉडल है, कितने एचपी में रहता होगा ये? 57 एचपी का, 57 एचपी। अच्छा, 57 एचपी, कितना चला होगा यार? इसका तो आइडिया नहीं है मेरे को कितना चला होगा। अच्छा, मगर समथिंग चला होगा, ये 3 के ऊपर ही चला होगा। अच्छा अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? 3,00,000 रुपये। ये थोड़ा रिसेल वैल्यू अच्छी है गाड़ी की, और बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है ये मार्केट में। ये पूरा तो आप कंप्लीट करके देंगे ही, और जो प्राइस बोले उसमें भी थोड़ा बहुत बैठक में करके देगा। तो आगे इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अभी शिफ्ट हो चुका है शॉप यहाँ कुम्हारी में। एक बार फिर से भी एक बार और एड्रेस बताएंगे, क्योंकि वहाँ ना चले जाए धोखा। बाबा ट्रैक्टर करके है, रायपुर से अपना दुर्ग रोड में जाएंगे, रायपुर से समथिंग 7 किलोमीटर दूर पे, ताटीबंद चौक से 5 किलोमीटर दूर पे। अच्छा, जैसे कि आप नया ब्रिज जो बना हुआ है कुमारी चौक का, उसको उतरेंगे और लेफ्ट में काफ़ी ट्रैक्टर खड़ी होगी, बाबा ट्रैक्टर्स करके करेंगे, क्योंकि वहाँ मत चले जाना गलती से। हाँ, वो हाईवे रोड का आप नज़ारा दिखा दो ना, ये हाईवे रोड ब्रिज भी दिखा दो। वो ब्रिज उधर का ब्रिज उधर है, जूम करके दिखा देना, सामने वाला ब्रिज उधर है, सामने जस्ट यही है ना। इसमें जितनी भी ट्रैक्टर दिखा, जो भी पसंद आया होगा भैया को कॉल कीजिएगा, और हो सके तो भैया आपको पर्सनली फोटो वगैरह भेज देंगे अगर बोलोगे तो। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो में और आने वाला है, ऐसी बहुत सारे कलेक्शंस है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अंदर।